इस कार्यक्रम के प्रायोजक है नव दुर्गा स्वीट कॉर्नर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर, सहेली एक्सक्लूसिव लेडीज वेयर बी रोड सरदारपुरा जोधपुर। ये चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेंट्रल एकेडमी 10 सेक्टर के सामने नगर निगम ने फूड कोर्ट शुरू किया। अभी तक जहां तक हमारी जानकारी है ये ऑथराइज फूड कोर्ट नहीं बना है, लेकिन नगर निगम के दिमाग का दिवालियापन देखिए, ये फूड कोर्ट एक नाले के बाहर खोला गया है। एक तरफ नगर निगम नालों की साफ सफाई करती है, बीमारियों से दूर रखने का काम करती है, एक तरफ कोरोना फैला हुआ है, दूसरी तरफ गर्मी में ढेर सारे मच्छर एक साथ आतंकित करते हैं। इतनी सारी परेशानियां, गंदगी, बदबू के बीच में फूड कोर्ट खोलना नगर निगम की कौन सी समझदारी है? ये ढेर सारे ठेले खड़े हैं, आप देख लीजिए, लोग खाना खा रहे हैं, पैक करवा के ले जा रहे हैं। ऐसी गंदगी और नाले के बाहर सड़क पर आधी सड़क रोक कर फूड कोर्ट खोलना नगर निगम की समझदारी। अब देखिए ये फूड कोर्ट कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ मच्छर, गंदगी, बदबू और आधी सड़क रोक कर फूड कोर्ट, क्या कहना चाहती है नगर निगम? कृपया ध्यान दें, फूड कोर्ट यहाँ से हटवाएं, ये काम का नहीं है। ये फूड कोर्ट अगर जयपुर की नकल है तो जयपुर में बहुत शानदार जगह पर, एक बड़ी सी जगह पर, ढेर सारी दुकानें साफ सुथरी जगह पर खोली गई है, वहाँ खाना पीने का आनंद आता है। यहाँ पर गंदगी बदबू में खड़े होकर खाना पीना और आधी सड़क रोक कर कैसे आनंद आता है? कृपया ध्यान दें कलेक्टर साहब, इसको बंद करवाएं। एक तरफ महंगे फ्रूट सब्जी मंडी में बिकते हैं, हालांकि महंगे इसलिए नहीं है कि वो सब्जी मंडी में बिकते हैं, सब्जी मंडी में सस्ते फ्रूट बिकते हैं, लेकिन फिर भी फ्रूट महंगे ही हैं। लेकिन फ्रूट को इस तरह से फेंका जाता है, आप देखिए, और ये भी मंडी वालों की मजबूरी है, क्योंकि अगर खराब फ्रूट को नहीं फेंका जाएगा तो वो अच्छे फ्रूट को और ख़राब कर देंगे, यानी कि अच्छे खासे महंगे फ्रूट को कचरे में, गंदगी में फेंकना पड़ता है, मंडी वालों की मजबूरी। एक तरफ देखिए गरीब को खाने को नहीं मिलता, दूसरी तरफ हजारों रुपए के फ्रूट इस तरह रोजाना फेंके जाते हैं। ये अच्छे फ्रूट को बचाना भी है। नमस्ते, मैं स्वस्ती कला, अब आपके सामने समाचार और विचार दोनों आपके पास है। अब आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दोनों दबाना है। हम मिलते रहेंगे।